सो वेलकम बैक गाइस। सो आज संडे का दिन था तो हम आ गए हैं फरीदाबाद, और हमने अपने भाइयों से ही कह के एक गाड़ी मंगवाई है जिसका हमने लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था, महिंद्रा की थार। सो बैक साइड आप देख सकते हो कि हमारे पास थार भी आ गई है और दोनों की दोनों गाड़ियां बिल्कुल रेडी है। और लास्ट टाइम जो हमें प्रॉब्लम हुई थी कि हमारा जो गाड़ी का पट्टा था तो टो बेल्ट जो थी वो टूट गई थी। 1 2 3 स्टार्ट। और अब की बार हम नई बेल्ट लेके आए हैं, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, इतना जोर नहीं दिखाना आपको, बिल्कुल मैं मौका दूंगा। सो ये सब भाई हैं, तो अभी वीडियो बिल्कुल स्टार्ट हो ही चुका है। गुरिंदर तो भाई इस बार का जो पट्टा है वो थोड़ा अपने एंड पे तो हम मजबूती लेके आए हैं, दिखा देता हूँ ये देखो। और लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम भी हुई थी कि ये खुल गई थी भाई यहाँ से, तो देखेंगे अभी, मुझे लग रहा है फिर निकल जाएगा यहाँ से। ना वो निकल जाएगा मामे से, तू थोड़ा सा ऊपर को उठ जा पहले अगर जैक से निकलेगा भाई, पूरा जुगाड़ करते हुए कि निकले ना भाई। लास्ट टाइम दिक्कत हो गई थी। हाँ जी भाई, अब की बार नहीं होने देंगे भाई, पक्का काम है। बार देखो पट्टा भी बहुत मोटा लेके आए हैं, तो बेल्ट है तो डन हो गया भाई। तो भाई अपने एंड पे तो हमने ये पूरी दिया है, और अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट राउंड से जो कि हमारा रहेगा 4x2, और जो सेकंड राउंड रहेगा वो रहेगा 4x4 फॉर द ड्राइवर्स ओपिनियन। हाँ जी भाई, बताओ फिर क्या लगता है? नहीं आपको आपको लगता है कि दोनों राउंड में आप ऊपर रहोगे भाई? फर्स्ट राउंड मेरा 4x2 का रहेगा, एंड देन नेक्स्ट वो होगा 4x4। हॉर्स पावर तो थार की ज्यादा है, बाकी कोशिश करेंगे, दो चार जवाब भी देने खींचते हैं। सो भाई हमारे थार वाले भाई का भी ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, तो इनसे भी एक बार बात कर लेते कि ये क्या सोचते हैं गाड़ी के बारे में। भाई पहले तो आपका एकदम स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मैं ये कह रहा हूँ हमारे दो राउंड होंगे बेसिक राउंड, तो पहला राउंड जो होगा वो होगा 4x2 और दूसरा होगा 4x4। यस, तो आपको क्या लगता है? आई मीन गौरव तो भाई ये कह रहा है कि मैं दोनों राउंड में ऊपर रहूँगा। अच्छा चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं 1, 2 और 3 बोलूँगा, गो बोलूँगा, उसके बाद ही आपने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करना है। पहले थोड़ा पट्टा टाइट कर लेंगे हल्का सा आगे लेके ना। ठीक है, हल्का सा आगे लेंगे। तो दोनों गाड़ियों को फ्रेम में लाते हुए चुगुरी 1, 2, 3 और गो बोलना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी अभी नहीं, अभी 1, 2, 3 चलो चलो, मैं बोलता हूँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। 1, 2, 3 गो। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि अभी दोनों गाड़ियां स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है, और सबसे हाँ आई थिंक अभी फर्स्ट राउंड हो गया ये। सो भाई इट्स अ सेकंड राउंड, और ये जो राउंड होने वाला है ये होने वाला है 4 लो, 4x4 फोर लो में रहेगा, 4x4 और लो में रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। वो भाई सुन रहा है ना थार वाला भाई? हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। ठीक है, 1, 2, 3 गो। तो भाई मुझे यहाँ गुरखा ने इसको हल्का सा खींचा तो था, बट भाई होल्ड ऑन, दैट्स इट। सो रिव्यू तो यही है भाई, स्टार्टिंग में गुरखा ने इसको अपनी जगह से मूव कर दिया, और उसके बाद थार जो है वो थोड़ी स्टेबल हो गई थी। तो भाई ये सिचुएशन है, दोनों गाड़ी हो रही, मतलब इनके चक्के ही घूमते रह गए हैं, और दोनों गाड़ियां अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिली हैं।
सेम मतलब इंटरनली तो देखो आप ही को पता होगा, मैं तो बाहर का दिखा सकता हूँ। खड़े मैंने दोनों पाँव ऊपर उठा रखे, पूछ ले रेस नदी उठाए ना मैंने पाँव। हाँ बताओ, आप बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो। मैंने तो रेस नदी दोनों पाँव ऊपर उठा रखे, इंटर पूछे तो खड़े बंदे। तो भाई ये है, और भाई का क्या ओपिनियन है भाई, आप बताओ आपने कितना एक्सेलरेट किया है, किया है कितना किया है मतलब। देखो गड्ढे फुल, तो भाई का कहना है कि भाई ने एक्सेलरेट किया है। तो ठीक है, फर्स्ट राउंड को तो हमारा यही कंक्लूजन है कि दोनों गाड़ियां स्टेबल है। हाँ दोनों, हाँ तो नेक्स्ट राउंड देखते हैं 4x4। तो एक बार गौरव को ही बोलता हूँ, आप गाड़ी में बैठो। दोनों ने गड्ढा कर दिया भाई। सो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हल्का सा आगे पीछे कर लो, ताकि आप लागर पीछे करो, पीछे कर भाई, बैक ले। सो भाई ये वाला राउंड दोबारा होने वाला है 4x4 हाई वाला, बिकॉज दूसरी बार भी गौरव की गाड़ी जो फोर्स गुरखा है वो बंद हो गई है। सो अभी दोबारा मतलब तीसरी बार ये ट्राई कर रहे हैं। सो भाई स्टार्ट करते हैं। रेडी गौरव, रेडी रेडी, चलो भाई 1 2 3 गो। भाई कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। भाई धुआं धुआं हो गया भाई। तो इसका भी रिजल्ट यही है कि ये गाड़ी यहाँ से मूव नहीं हुई है, और इस बार गाड़ी बंद नहीं हुई। नहीं नहीं स्टेबल थी, और भाई की गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, बट है हल्का सा मूवमेंट हुआ था, बट यहाँ पे भी ये भी देख लो कि बिल्कुल टायर एक जगह पे रोटेट हो गए थे, उसकी वजह से गड्ढे हो गए। हाँ जी, हाँ जी भैया, भाई भाई कुछ भाई बोलो। भाई की स्कूल की लड़की रहती है जी वहाँ पे। हाँ किले में कहा पर तो चलो भाई, भाई गंदा नहीं बोलना, बाकी जो मर्जी बोलो ना भाई। वेरी साइड पर्सन। ए भाई पता, दूसरे गांव से भाई आए हमारे, मिलो मिलो। हाँ जी भाई, एक मिनट। यस ब्रदर, कैसा लगा आपको दोनों? बहुत अच्छा लगा भाई, एक तो ये 4x4 में और 2x2 में। नहीं नहीं दोनों 4x4 है भाई, टायर घूम रहे थे लेकिन। हाँ। हो सकता है अगर रोड पे लेके जाए तो कुछ मे भी रिजल्ट चेंज हो जाए। तो एक बार उनसे बात करते हैं थार वाले भाई से, और हमारे जीजा जी की गाड़ी है तो उनको तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। नहीं का भी ओपिनियन लेते हैं। हाँ जी भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। अच्छा भैया कंपटीशन हो रहा है भाइयों का, थार का उसका ऊपर ही हमको तो लगता है थार जीते ही रोड पे। रोड पे लेके चलते हैं एक बार, एक बार ही रोड पे करते हैं ना। हाँ, मन की भी हो जाएगी। ना क्या होता है, दोनों हो जाएगी। भाई कह रहे हैं जीजा है तो जीजा को तो ऊपर रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। सो इस बार हमने अभी अपना ये टो बेल्ट जो है यहाँ से हटा दी, और हमने यही सोचा है कि अभी हम पक्की सड़क पे चलेंगे, रोड पे चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं। भाई कहाँ गया भाई, आप चल रहे हैं पक्की जगह पे, ठीक है? तो अभी तक तो आपका ही विन विन सिचुएशन है। चलो ठीक है भाई, ओके। भाई हम आ गए हैं बिल्कुल पक्की वाली रोड पे। हाँ जी भाई, और गाड़ी बिल्कुल भाई मिट्टी से भर चुकी है, देख लो भाई। अपना थार वाला भाई एकदम कॉन्फिडेंस में है भाई, बोलो 1 2 3 गो। भाई गाड़ियां हिली भी नहीं है, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली है। भाई ये तो हिली भी नहीं है कोई गाड़ियाँ, दोनों की दोनों गाड़ियाँ एकदम स्टेबल हैं। और ये हमारी कच्ची जगह पे भी यही हुआ था जब हमने फर्स्ट राउंड किया था, तो उधर भी ये स्टेबल ही थी दोनों की दोनों फर्स्ट राउंड में। हाई का करते हैं, हाई का कर लेते हैं। सो बिल्कुल भाई ये लो में भाई 4x4 लो, ठीक है? और पहले राउंड का यही रिजल्ट है भाई, दोनों गाड़ियाँ स्टेबल थी, कच्चे में भी सेम था।
बिल्कुल 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 करेक्ट। सो भाई नेक्स्ट राउंड है आपका 4x4 लो। रेडी 1 2 3 गो। बस 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 भाई यहाँ पे सिचुएशन सच में ही बदल गई है। आपकी बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? नहीं 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 भाई, गाड़ी मूव हुई है। सो मेरे को तो यही लगता है कि भाई इसकी ग्रिप जो है थोड़ी मतलब पक्के में थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं है, और उसने वो क्योंकि जब हमने कच्चे में वो करे इसका टेस्ट करा था तो उसमें जो है ये गुरखा हार गई थी। तो भाई हारी नहीं, बंद हुई दोनों बेरा बंद हुई, और वह जो साइड में लौंडा खड़े मैंने उनका कई पूछ लो इनते। हाँ क्योंकि मैंने कई मन की बंद होगी रुकवा, कोई रोकी ना सुनी ना रहा। तो भाई इस बार तो ये है कि आपने गाड़ी हिला दी है, थार वाले की डिमांड है 4x4 हाई में करते इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, अब नेक्स्ट राउंड फाइनल राउंड उसमें ही होगा। बट ये है कि अगर यहाँ पे भी वो कर मतलब मूव कर देगी तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी पावरफुल है। रीजन क्योंकि कच्चे में तो ये वाली गुरखा जो है वो हिल गई थी, हिला दी थी। ठीक है, दो बेर वो भी खींची है, वीडियो हैंगी थोड़ी थोड़ी खींची है। भाई से भी जान लेते हैं एक बार भाई, ये आप जो नेक्स्ट राउंड होगा वो 4x4 हाई। ठीक है भाई, गुड लक भाई। ओपिनियन 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 कुछ ना है ना है भाई, हमें ठीक ठाक है, गाड़ी सेफ रहो, बाइक को दिक्कत ना हो। चलो मौजूद हो दोबारा बोलना चाहोगे भाई कुछ? भाई कुछ नहीं भाई, देखो जो हो गई कंपटीशन तो देखो टफ है दोनों में। हाँ गाड़ी में अगर देखी जाए ना तो गुरखा भी अपनी जगह बहुत पावरफुल गाड़ी है, और थार भी अपनी जगह बहुत पावरफुल, थार तो वेल नोन है। पर क्या हुआ था कि जैसे हम वहाँ पे जब उसमें कर रहे थे मिट्टी में हम चला रहे थे तो उसमें क्या था कि भाई थार बार बार खींचे जा रही थी, ग्रिप नहीं बन पा रही थी, या जो भी कोई रीजन था वो तो ऑडियंस बिल्कुल बिल्कुल भाई क्या था क्या। बिल्कुल बिल्कुल, पर यहाँ पे जो एक वो आया निकल के कि इस बारी थार जीत वो थार हार गई है, गुरखा जीत गया। 4x4 में देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है, सिचुएशन आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं फाइनल राउंड की तरफ। चले 1 2 3 स्टार्ट। भाई बस 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 बस। सो भाई कंक्लूजन यही है, फाइनल राउंड यहाँ की सिचुएशन पे थार जो है वो अपनी जगह से मूव हो गई है और गुरखा ये बाजी ले गई है। सो भाई अभी भी ये है कि पक्की में तो भाई रोड पे तो यही इसकी ग्रिप अच्छी है, ग्रिप नहीं मिली, एक राउंड और होएगा, एक और होएगा। हाँ, मजे तभी आएंगे तो गौरव। हाँ भाई इस बार खींच दिया आपने। अरे हम तो हर बार खींच रहे हैं, जो गलती से बंदूरी में झटके से क्लिच छोड़ रहा हूं। भाई बोलो इसको, मैं भाई से बात कर लेता हूँ। भाई एक राउंड और करवा लेते हैं। हाँ एक राउंड और करेंगे भाई। भाई इसका ये टो चैन बीच में होते ना तो मजे आते भाई, जब महिंद्रा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टेढ़ी हो रही है बार बार, टेढ़ी। ठीक है कोई नहीं, एक राउंड और कर लेते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं भैया? हाँ जी बताओ। इस कार को थोड़ा इस साइड बाहर को निकाल के, बाहर के निकाल के लगे सेंटर में आ जाएगी। ठीक है सो एक्चुअली सो यहाँ पे सो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये टो हुक है ये सेंटर में है, और थार का जो टो हुक है वो साइड में है। सो थार वाले भाई का कहना है कि जो मेरा फोर्स लग रहा है वो साइड से लग रहा है, उसकी वजह से उसकी गाड़ी जो है साइड से मूव हो जा रही है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रही है। तो अब की बार हम इनको इस तरह से खड़ी करेंगे कि ये सेंटर में आए। अब काट कर लियो और को अब वापस ले, वापस वापस आन दे, पीछे आन दे, और आन दे, और आन दे। भाई यहाँ जनता इंटरेस्ट दिखाती हुई, ऑडियंस भाई ये राउंड फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। नहीं भाई नहीं, ये तो
फोर्स गुरखा ने एक बार फिर से थार को अपनी जगह से हिला दिया है और अब ये खेल यहीं पे ख़त्म करते हैं और नतीजे आपके सामने ही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये गाड़ी मतलब अपनी जगह से मूव हो गई है और कच्चे में जो नॉर्मल उस पर था, हमने जो ग्राउंड में करा था वहाँ पे तो थार ही ऊपर थी, बट यहाँ पे इसकी ग्रिपिंग का कुछ भी कह लो बट ये यहाँ अपनी जगह से मूव हो गई है। चलते हैं गौरव के पास, निकाल लो, अब निकाल लो इनको। सो भाई यू गॉट द पॉइंट्स इन है, नहीं नहीं अब ये हो गया है और अब हम अपने टोक्स निकाल रहे हैं। सो बताइए भाई की जो वीडियो में हमने अपना थोड़ा जोर से बोलिए, जो हमने DDS भाई रवि हो उसके उसमें जो हमने अपना रिव्यू दिया कार का, तो उसमें एक महाराज है बड़ा ज्ञानी, उसने हमें दिया अपना के भाई गवारे एजुकेटेड नहीं है, क्या मतलब बनता है थार खींच देंगे ऊपर देख ले। हाँ। तो और कोई राउंड करने, ये तो इन दोनों का तो हो गया, और कोई गाड़ी है भाई? अरे मेरी भाई, ये मेरी गाड़ी खड़ी है भाई, ये देख लो ये अल्ट्रोज खड़ी है, अबे ये भाग जाएंगे सबके सब। वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, मैं उससे करना चाहता हूँ, उस गाड़ी जिससे मन करे वो आ जाओ। अरे बाल है क्या भाई, ये कहाँ इसके टाटा के आगे रुक रहे हैं भाई, मैं नहीं आने दूंगा। सबसे बड़ी बात है अभी तक गुरेंद्र का ब्रेजा। अरे भाई नहीं गाड़ी आगे, नहीं उसके उसके ऑपोजिट कौन सी गाड़ी, ऑल्टो? ऑल्टो नहीं, बुलेट बहुत है। अच्छा 350 cc है और भाई मैं 1500 cc के ले जाऊंगा, तुम छोटे भाई एम्पायर से तो इंट्रोड्यूस कराओ, थोड़ी बातें कराओ। नहीं भाई कुछ तो भाई साहब की जिता दी जेन्युइन चीज है वो है, बिल्कुल वो ही बोली जाएगी कि जमीनी उस पे देखा जाए, जमीनी स्तर पे तो भाई ऑफ रोडिंग में तो भाई थार है और प्लेन रोड में ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यही था, मैं बस हमने ये चीज़ सबको दिखानी थी और गौरव का भी यही मन था जब से इसने गाड़ी ली थी कि एक बार तो टग ऑफ वॉर कर ही लेते हैं। और एपिसोड में भी हम कौन सी गाड़ी नागर, स्कॉर्पियो? हाँ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तो भाई देखो मेरी टक्कर मेरी गाड़ी की तो ली नहीं जाएगी, और दूसरी स्कॉर्पियो खींच ली हो तुमने तो अलग बात है। ठीक है भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी सब भाई राम राम बोल दो जोर से, राम राम भाई। ठीक है, हाँ जी भाई बोलो। वो तो यहाँ हमारा खींच गई सारी गाड़ी बंद होगी, मैं पता अन्य खींचन तो ना देता हूँ, जैसे शुरुआत में टायर जॉम हो गई है ना, लास्ट रिजल्ट हुई है यहाँ पे मट्टी पे था, क्योंकि टायर अपनी जगह बना दिए। फिर अब देखो ना, कहते खुद रखे तुमने, देखना ये क्या करो तुमने, कोई नहीं आपके लिए तो दुनिया खोद देंगे। यू है कि जैसे थार यहाँ से हर चीज में ज्यादा है, बिल्कुल भाई 320 Nm का टॉर्क है ना, और 130 horsepower है, 90 horsepower 250 Nm की टॉर्क के साथ, तो थार को पर वैसे एक चीज है, ज्यादा है एक चीज है इसमें बैठ के ना फील आ रही है, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ जहाज में बैठ गए, गाड़ी ऊंची है काफी ऊंची है, नहीं उसमें अगर थार में बैठते है ना तो वो ऐसा लगता है बिछे बिछे नीचे नीचे बैठे हूँ, और इसमें ऐसा लग रहा पता नहीं कहीं ऊपर आसमान पे ही। हाँ बिल्कुल, अभी तुम और ऊपर ऊंचाई पे बैठेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा 2-4-10 दिन सबर करो, और ऊंचे पे हो जाओगे तुम, फिर कॉम्प्लेन जो बता दो मुझे, सीधी बता दो।